एक सीईटी का कुछ डिमांड्स ये आ रही हैं कि उसको क्वालिफाइड नेचर का बनाया जाए, तो आप तक भी ये कुछ डिमांड्स आई होंगी, कुछ एमएलए ने भी कहा होगा, तो अब इसमें जो हमने पहले एडवर्टाइज कर दिया है कि सीईटी क्वालिफाइड नेचर का नहीं होगा, जो 50% और 40% है वही होगा, 50% और 40% तो उसकी पास में होंगे, लेकिन बाकी सबकी जो मेरिट है जी, मेरिट के हिसाब से जो भी कोई किसी एक पोस्ट के लिए ऑप्ट करेगा उस ऑप्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनेगी अलग अलग, क्योंकि पोस्टें तो 50 होंगी, उन 50 पोस्टों के लिए अलग से उनको ऑप्शन देनी है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, तो जितने लोग उनमें क्रम से ऊपर के 4 गुना होंगे उनका एक टेस्ट होगा। ठीक है, आखिर मेरिट को तो नहीं तोड़ सकते ना, जब उन्होंने मेरिट को एक मिशन माना है जी जी। तो मेरिट इज मिशन, वो सीईटी में भी रहेगा, वो वैसे भी रहेगा, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन के लिए 40% और 50% मार्क्स रहते भी, इससे नीचे तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उससे ऊपर वाले जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मेरिट के हिसाब से करेंगे। और कोई भी एक व्यक्ति जो सीईटी में एक प्रकार से पास हो गया और कट ऑफ से ऊपर आ गया, मेरिटोरियस हो गया, वो कितनी ही पोस्टों के लिए ऑप्ट कर सकता है, उसके सबके अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे कि एक ही टाइप की 4 पोस्टों का एक ग्रुप बना दिया, उसमें से मानो एक सिलेक्ट करता है तो उसके लिए भी देगा, अगले दिन दूसरे ग्रुप के लिए उसमें भी देगा, 20 दिन एग्जाम देता रहे, फिर जो बाद में जहाँ कहीं उसका नंबर आता है जो चॉइस करेगा करेगा।